हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। सो डियर, आज हम रेडी करेंगे डाइट वाला नाश्ता, मतलब कि डाइट ब्रेकफास्ट। सो जिसके लिए हमें चाहिए है दलिया, ये है जौ का दलिया। डाइट में हमेशा जौ का ही दलिया यूज़ किया करें, ये बहुत मदद करता है वेट लूज के दौरान। और बाकी ये है एप्पल, गाजर एंड चिकंदर। सो इसका हम बनाएंगे जूस, ठीक है। आप लोग अगर एक हैं तो फिर जस्ट एक ही सेब लीजिएगा, दो गाजर, हाफ चिकंदर। सो मुझे तीन ग्लास बनाने हैं तो इसलिए मैंने ये इतना लिया है। चलिए अब इसको हम तैयार करते हैं, पहले दलिया। तो जी यहाँ हम फ्लेम ऑन कर देंगे और इसमें डालेंगे पानी। ठीक है, सो मैंने ये पानी डाला है इसके अंदर। जी मैंने एक गिलास पानी डाला है और एक कप में डालूंगी इसके अंदर ओट्स। तो जी इसको हम अच्छे तरीके से पका लेंगे, इस पानी के अंदर इसको बॉईल करेंगे, ये बिल्कुल नरम हो जाएगा। तब तक हमने इसको पकाना है। अगर आपको लगे कि इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करने की ज़रूरत है तो आप कर सकते हैं, बस ये अच्छे तरीके से बॉईल होना चाहिए और नरम हो जाना चाहिए। ये हमारा रेडी हो गया है, बिल्कुल नरम हो गया है और बिल्कुल सही से कुक हो चुका है। सो अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और एक साइड पर हमने काट लिए हैं चॉप करके एप्पल। सो अब इनको हम साइड कर देंगे और दूसरी साइड हम ऑट मिल डाल लेंगे अपना। इसको मज़ीद मज़ेदार करने के लिए हम इसमें डालेंगे, वेट मैं आपको बताती हूँ ये बात। इसके बाद हमारे पास ये असली शहद है, ये हम डालेंगे। आप भी कोशिश कीजिएगा किसी अच्छी क्वालिटी का ही शहद यूज़ कीजिएगा, अदरवाइज़ जो लोकल होता है वो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और ये कुछ है मेरे पास अखरोट जो के निकाल के रखे हुए हैं उसकी गिरी। सो अब हम इनके अंदर थोड़े से अखरोट डाल देंगे। तो जी अब अखरोट के बाद इस पे डाल देंगे हनी। चीनी बिल्कुल ऐड नहीं करनी है और हनी भी अच्छी क्वालिटी का ही यूज़ करना है, ठीक है। इस तरह ये खाना है ताकि हमें हनी का भी जायका आए और एप्पल का भी जायका आए और हमें ये और फीका भी ना लगे। ये देखें जी, मैं अकेली नाश्ता बिल्कुल भी नहीं करती, मेरी कैट्स मेरा साथ देती हैं पूरा पूरा। तो हम चलते हैं जूस की तरफ। अब हम जूस बनाएंगे, एप्पल इसमें डाल देंगे। अब इसके अंदर जो है ना हम डाल देंगे नींबू, नींबू इसको स्क्वीज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे।
और इसे ग्लास में डाल देंगे और फिर इसके अंदर आइस क्यूब डालेंगे। और तो ये ना जी, हमारा जूस भी बन के रेडी है। सो ये जस्ट वेट लूज में ही नहीं, आपकी वैसे भी बहुत जो है ना चीज़ों में हेल्प करता है। इसको पीने से आपका कलर भी फेयर होगा, आपका स्टमक भी क्लीन होगा और भी बहुत से फ़ायदे हैं इसके। सो ये वाला जूस तो लाजमी ट्राई कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स सो मच। अल्लाह हाफिज़।